हेलो बच्चों, बेटा आज हम स्टडी करते हैं बड़ी फेमस रिएक्शन, दैट इज द क्लीमेंसन्स रिडक्शन। देखना क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लेते क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड या हमारे पास कीटोन गिवन है। आपके पास क्या गिवन हो, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है RCHO, और कीटोन का फॉर्मूला पता है RC OR। ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं जिंक HG अमलगम के साथ, और साथ में लेते हैं HCl। जब इसको सर ट्रीट करते हैं हमारा बनता क्या है, कैसे, हमने ले लिया R1C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ये हमने क्या लिया, कीटोन लिया है। कीटोन को किसके से ट्रीट करेंगे, ZnHg HCl के साथ है, और क्या बनेगा हमारा, RCH2 CH2 CH3। इट मीन्स हुआ क्या है, जो ये कीटो ग्रुप था ये रिमूव हो जाएगा, सिंपल CH2 हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसके साथ ही और क्या गिवन हो, हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, क्लीमेंसन रिडक्शन की। तो कीटोन कितने कार्बन का है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 कार्बन का एल्केन बनेगा। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मूव करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। बेटा हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। यदि बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको पता है जिंक हमारी मेटल है, जिंक मेटल Zn+2 में कन्वर्ट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। ठीक है, हमारे पास कोई भी कीटोन था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था, हमने क्या ऐड किया था, HCl ऐड कर रखा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा H पोस्टिंग को। ठीक है, क्या लगा, हमने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये लग गया H साथ में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड मूव करेगा। देखो बना क्या, अगर हम अटैक करवाते हैं हमारा बना CH3 COH, यहां CH3 और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जैसे ही जनरेट हुआ, HCl पड़ा है, हमने कहा CH3 COH CH3, और नेगेटिव चार्ज आपका H ले लेगा और H लग जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर HCl है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है डोनेट करेगा, क्या बनेगा, CH3 CH3 OH H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे H है ही है। आप सभी जानते हैं वाटर क्या है, हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है। वाटर क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप आपका वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लीव करेगा, तो माइनस वाटर हुआ, यहां क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 C पॉजिटिव CH3 और H था, कार्बोकैटायन बना। अब इसके साथ में ही इलेक्ट्रॉन फिर है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, 1 जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
दूसरा जिंक फिर दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ने इसके ऊपर वापस अटैक किया, क्या बना हमारा सी एच थ्री, सी नेगेटिव है, सी एच थ्री और एच हमारे पास सही था, ठीक है। अब फिर एच सी एल हमारे पास पड़ा है, क्या पड़ा है एच सी एल, तो ये हमारा एच ले लेगा, क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, ये आपका क्या बन गया बच्चे एल्केन बन गया। तो ये मैकेनिज्म था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक प्लस टू में, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले लोन पे डोनेट करेगा एच पॉजिटिव को, तो हमने ओ के साथ एच लगा दिया, दो इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, ये बॉन्ड मूव कर गया, ऊपर क्या लगा OH, नेगेटिव चार्ज आया एच ले लिया, OH है दोबारा फिर एच पॉजिटिव लेगा, वाटर रिमूव होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, कार्बन आयन में चेंज होगा और एच लेके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब दो चार क्वेश्चन देखते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास डाई कीटोन गिवन है, या हमारे पास कीटोन गिवन है, साइक्लिक कीटोन मैंने ले लिया, हमने क्लीमेंसन रिडक्शन कहा तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ब्यूटेन होता, हमारे पास क्या है ब्यूटेन, इसकी भी हम क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं, क्या बनेगा, यह कीटो ग्रुप आप सभी को पता है रिमूव होगा, तो क्या बनेगा चार कार्बन का एल्केन में कन्वर्ट होगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास क्या हो, साइक्लिक कीटोन तो दे रखा है, हमने ले लिया साइक्लिक कीटोन, साथ में क्या हो ओ एच हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है, अगर इसकी हम क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे तो यहां एच पॉजिटिव पड़े हैं, ये लेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और साथ में सी एल नेगेटिव पड़ा है, सी एल इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, तो इस केस में बनेगा क्या, हमारा बनेगा कीटोन तो चेंज हो जाएगा एल्केन में, पर यहां क्या लग जाएगा सी एल लग जाएगा, इट मीन्स ओ एच ग्रुप वाटर में कन्वर्ट हुआ, लीव किया और यहां पे क्या लग गया सी एल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई बेंजीन है, साथ में क्या है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, इसको भी किससे ट्रीट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन से, तो बेंजीन एज इट इज रहेगा, यहां पे क्या बनेगा सी एच टू सी एच थ्री, बेटा समझ में आ रहा है सी एच टू सी एच थ्री। अगर तीन कार्बन हो साइड चेन में, तो हमने कहा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, इसको भी किससे किया हमने क्लीमेंसन रिडक्शन किया, क्या बनेगा बेंजीन तो एज इट इज, और ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट है तीन कार्बन का आ जाएगा, क्या आएगा तीन कार्बन का, कुछ इस टाइप का हो, और यहां मैं ले लेता हूं सी एल, यहां हमने क्या किया क्लीमेंसन रिडक्शन किया, अगर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन करूंगा यह कीटो ग्रुप चेंज होगा सिंपल एल्केन में, हमने क्या किया बेंजीन था, तो यहां क्या होगा एक दो तीन चार, चार कार्बन का ये लग गया सी एल, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करता हूं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो क्या बनेगा आपका ये बेंजीन से ज्वाइन हो जाएगा, ये क्या हुआ बेंजीन से ज्वाइन हो चुका,
ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कीटोन के अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, बेटा कहीं पे भी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, क्लीवेंसन रिडक्शन आप करेंगे, क्या होगा, एल्केन तो चेंज होगा ही, साथ में एनओ टू ग्रुप चेंज हो जाता है एनएच टू, क्या हो जाता है, एनएच टू ग्रुप में चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ जाए, क्या आ जाए, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, इसको भी हमने क्लीमेंसन रिडक्शन किया है, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और कीटो ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है, क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, कार्बन एक दो तीन चार पांच, तो किधर क्या बनेगा, पांच कार्बन का हमारे पास एल्केन बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, पांच कार्बन का एल्केन, ये बात समझ में आई। अगर हमारे पास फिनोल आ जाता है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या हो, फिनोल हो, ये OH आया, यहां मैंने लगा लिया फिनोल, तो ये आप सभी को पता है ये ग्रुप हमारा क्या है, फिनोल, ये ग्रुप क्या बेटा, फिनोल ग्रुप है, फिनोल ग्रुप है, साथ में ये ग्रुप कौन सा आपका, एल्डिहाइड है, क्या ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड, सी एच ओ कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी भी हम क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं तो फिनोल आपका एज इट इज रहेगा और सी एच ओ कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री, किस में कन्वर्ट होगा, सी एच थ्री में। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर फिनोल के ऊपर है सी एच टू सी एच थ्री है, ठीक है, इसकी भी हम क्या करते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं, तो क्या बनेगा, फिनोल ग्रुप हमारा एज इट इज रहेगा और यहां एक दो तीन, तीन कार्बन का क्या रहेगा, एल्केन रहेगा, ठीक है, तीन कार्बन का क्या रहेगा, एल्केन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और याद रखना है, क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर एसिड नॉट रिड्यूस, बेटा क्या होगा, कहीं पे भी क्लीमेंसन रिडक्शन हम कर रहे हैं वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होगा, तो ये हमने क्लीमेंसन रिडक्शन देखी, सारे मैकेनिज्म देखे और इसके मेनली सारे क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू।